बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिलाल हिदन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 16 में क्लाउड कंप्यूटिंग का हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन सास पास एंड आईएएस। जिस तरह हम लोग दे चुके हैं ये सर्विसेज मॉडल के मॉडल हैं, तो हम लोग हर एक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ चुके हैं, बट आज हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे किस तरह से हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग इसको एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आ सकें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सर्विसेज मॉडल में तीन मॉडल्स होते हैं। पहला मॉडल हमारे पास होता है सास, फिर हमारे पास होता है पास और हमारे पास होता है आईआस। सास होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, पास होता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, आईआस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। अब जिस तरह मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल देता रहा हूँ हर लेक्चर में ऑलमोस्ट सर्विसेज मॉडल की, अगर आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाना है तो मैं इसकी एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि खाने वाली चीज़ों की एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहती हैं। अगर आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाना है तो आप लोग क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र पर जाएंगे, इंटरनेट पर जाएंगे, उसको जाके आप पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर देंगे। जिस तरह हमारे पास फूड पांडा वगैरह, मिस्टर डिलीवरो या डिफरेंट जो भी रेस्टोरेंट आपके पास अवेलेबल हो, आप जो वहाँ से ऑर्डर कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, पिज़्ज़ा आ जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसने बनाया किसने, किस शेफ़ ने बनाया, किसने बनाया। तो इसी तरह से अगर आप लोगों का अपना कोई बिज़नेस है, अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल वर्कशॉप है आप लोगों की, या आप लोगों का कोई और बिज़नेस आप इमेजिनेशन कर सकते हैं जो भी हो, तो आपने अपने बिज़नेस के लिए जो है एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड आप लोग फेमस हों अपनी एप्लीकेशन अपने बिज़नेस में, तो आप लोग उसमें क्या करेंगे कि आप सास क्लाउड से प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से सर्विस लेंगे, यहाँ से अपनी एप्लीकेशन बनवाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये बनाई किस बंदे ने होगी, आपको डिवेलप कौन करके दे रहा है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट थी। आपने जस्ट क्या करने हैं, अपने पेमेंट देनी है आपने, और आपको क्या हो जाएगी, आपकी जो है एप्लीकेशन वो मिल जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसका आपको पता होना ज़रूरी नहीं होता, यानी कि इसके अंदर एप्लीकेशंस वगैरह, डाटा, रन टाइम, और हमारे पास मिडल वायर होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विचुलाइजेशंस, और हमारे पास नेटवर्क, और हमारे पास स्टोरेज, और हमारे पास होता है सर्वर, यानी कि ये चीज़ें होती हैं हमारे पास सास के अंदर। जो हमारे पास सर्वर होता है, स्टोरेज होती है, नेटवर्क, विजुलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडल वायर, रन टाइम, डाटा और एप्लीकेशन, ये चीज़ें होती हैं हमारे पास सास के अंदर। यानी कि हम लोगों को इसके बारे में इलम ना भी हो तो हम लोग को अपनी एप्लीकेशन गेट कर ले तो हमारे पास होता है सास। अब अगर बात की जाए पास की, तो पास में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप अगर आप लोगों को पिज़्ज़ा बनाना जानते हैं, यानी कि आप लोगों को पिज़्ज़ा बनाना आता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जस्ट यही है कि आप पिज़्ज़ा बनाना आता है, आप सिंगल हो, आपको जस्ट पिज़्ज़ा बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये अगर आपके पास मटेरियल भी हो, फॉर एग्जांपल आपका डाटा हो, आपका चीज़ें भी हो, आप क्या कर सकते हैं, उसको पका सकते हैं। लेकिन आपको पकाने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए ना, चूल्हा तो चाहिए ना, उसके अंदर गैस तो चाहिए ना, या कुछ फायर तो चाहिए ना आपको पकाने के लिए। तो इसलिए कोई आपको उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बर्तन भी चाहिए होगा ना जिसके अंदर आप उसको पका सकें। इसी तरह सिंपल इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने याद देखा था आपका कोई वर्कशॉप है या आपका बिज़नेस है, तो आप अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, आप लोग प्रोग्रामिंग जानते हैं कि कोडिंग जानते हैं, लेकिन आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग तो जानते हैं, लेकिन आप उसको किस जगह पर आप अपने प्रोग्राम को राइट करेंगे, वो कौन सी जगह होगी, वो क्या होगी, तो आप क्या करोगे कि वो आप पास वालों से लेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आती है, सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, फिर हमारे पास डाटा, यानी कि एप्लीकेशन तो आपकी अपनी है ना, कि आपने एप्लीकेशन कौन सी बनानी है, और आपका डाटा ही आपको ना जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आपके पास डाटा कौन सा है, तो ये चीज़ें आपकी अपनी होंगी। बाकी क्या होंगी, ये हमारे पास क्लाउड प्रोवाइडर, जो हमें क्लाउड प्रोवाइड करेगा, सेम एज इट यही चीज़ें वो होंगी जो हमारे पास सास में होती हैं, रन टाइम, मिडल वायर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विजुलाइजेशन, नेटवर्क, स्टोरेज और हमारे पास सर्वर। ये चीज़ें जो हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, ये हमें क्लाउड प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सास और आस का, तो सास और पास का तो डिफरेंट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आईआस। आईआस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि आप लोगों के पास जो है, आप लोगों ने पिज़्ज़ा ही खाना है, पिज़्ज़े की एग्जाम्पल पर चलते हैं, पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़े के लिए आप लोगों के पास क्या, आपको पकाना भी आता है, आपके पास मटीरियल भी है, और क्या है कि आपके पास आपका जो अपना ही चूल्हा भी है, आपकी फायर है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं कि दुनिया को नहीं दिखा सकते किस तरह से मैंने बनाया, किस तरह से मैंने किया। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप लोगों का आपको कोई बिज़नेस है, कोई वर्कशॉप वगैरह या कोई और अदर्स बिज़नेस है, आप वर्ल्ड वाइड उसको फेमस करना चाहते हैं, आपको कोडिंग भी आती है, प्रोग्रामिंग मसलन की आती है, उसके बाद आप लोगों का अपना कंप्यूटर भी है,
यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका अपना है, आपकी विजुअलाइजेशन मशीन भी आपकी है, लेकिन इसके बावजूद आपके पास ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लोकली है, यानी कि लोकली जस्ट आप अपने कंप्यूटर के अंदर ही रख सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं वर्ल्ड वाइड दुनिया को दिखाने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको कुछ चीज़ें गेट करनी पड़ेंगी। वो क्या कहाँ से गेट करेंगे, आप क्लाउड प्रोवाइडर से गेट करेंगे जो क्लाउड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आईएएस में हमारे पास क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। हमारी एप्लीकेशंस होगी, हमारा डाटा होगा, रन टाइम होगा, मिडल वायर होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीज़ें क्या होंगी, हमारे पास अपनी होंगी, ये अपनी होगी। उसके बाद हम लोगों का अब ये चीज़ हम लोगों ने कर ली, लेकिन अब ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये हमारे पास लोकली होंगी, यानी कि लोकल हम लोग अपने पीसी के अंदर ही रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जो है इसको वर्ल्ड वाइड फेमस करना चाहते हैं अपनी चीज़ को जो हम लोग बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लाउड प्रोवाइडर से एप्लीकेशन क्लाउड प्रोवाइडर से कुछ सर्विसेज गेट करेंगे। वो सर्विस हमारे पास क्या होगी, विजुअलाइजेशंस होगी, नेटवर्क होगी, स्टोरेज होगी और सर्वर होगा। अब विजुअलाइजेशन होगी कि जो आप सर्विसेज गेट करेंगे उसके अंदर भी आपके पास कोई ना होगी, आपकी एप्लीकेशन जाएगी, फिर आपके पास नेटवर्क होगा जो इंटरनेट होगा, फिर हमारे पास स्टोरेज होगी यानी कि जो आप क्लाउड से अपनी स्टोरेज गेट करेंगे जहाँ पर अपना डाटा जो है आप लोग अपना डाटा जो है आप लोग स्टोर कर सकें, फिर आपके पास होगा आपका सर्वर होगा जिस सर्वर पर आप लोग इसको नेटवर्क के ऊपर यूज़ करेंगे। अब जो हमारे पास जो ब्लू कलर में शो हो रहे हैं सर्विसेज, ये क्या होते हैं कि क्लाउड प्रोवाइड करता है हम लोगों को, हमारे पास क्या होती हैं, ये क्लाउड प्रोवाइड करता है, हमारे पास क्लाउड प्रोवाइड करता है। और इसी तरह हमारे पास जो ऑपरेटर होता है ना, यानी कि जो ऑपरेट करनी है हम लोगों ने खुद करनी है, बाकी जो हमारे पास जो है पिंक कलर में जो है इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ये हम लोगों ने खुद हैंडल करनी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से काफ़ी आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी होगी, अगर आपको आईएएस पास आस में डिफेंस में डिफ़िकल्टीज आ रही होगी समझने में, तो अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इसका आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, तो अपना ख्याल रखें, जो हमें याद रखें, अल्लाह हाफिज़।